भाई इसका टेस्ट इतना लजीज है ना, मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग एंड डे टू अपना जो चंडीगढ़ में। एंड अपन ने अभी बोला कि अपना जो मॉर्निंग जॉगिंग का जो आदत है ना वो कंटिन्यू रखते हैं, तो यहाँ पर आके भी अपन सुबह 6 बजे उठ गए। एंड ये दोनों को भी मैंने उठा दिया, मैंने बोला चलो भाई अकेले अकेले क्या जाना। एंड यार हाँ, मैं कल के वीडियो में बोल रहा था कि अपन देखो जो मुंबई वाले, अपने को पता नहीं चलता है ऐसे गलियां वगैरह देखने की आदत नहीं अपने को, बट यार अपन कोई भी मूवी में देखते हैं ना, जैसे विक्की डोनर हो गया और कौन से फुकरे मूवी हो गया, वो सब में देखो गलियां दिखाते ना ऐसे होते हैं ना सब। देखो यहाँ पे से छत पे से लड़की ताड़ रहे, उधर से देख रहे है, इधर से इशारे कर रहे है, पतंग उड़ा रहे। अपने लिए थोड़ा ही अलग था वो 7 बजे भाई, ऐसे गेट से बाहर निकले ना क्या हवा आएगा ना, मजा आ गया। लेकिन ये ठंडी के लिए तो अपन आए, तो मैंने बोला इस पे भी अगर अपन सोए रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद है जो बाहर जाके आलस करते हैं। भाई घर से क्यों निकले हो फिर, अगर सोना ही है तुमको तो अपन मुंबई में रहकर कितना भी आलस कर सकते, बाहर अपन बिल्कुल नहीं करता है। भाई बैट तो ले लिया, बॉल है अच्छा, चलो ये बोल रहे इसके दोस्त लोग होंगे वहाँ। चलो यार चलते अपना तो चंडीगढ़ की गलियों में। एक्टिवा ले लेते, क्योंकि क्या होता है ना अपन यहाँ से गर्मा गर्मी में तो जाएंगे लेकिन वापस आते टाइम हालत खराब हो जाती है, तो फिर ऐसा कंटाल आता है चल के आने को। मैंने बोला एक्टिवा लेके आ जाओ, जैकेट मैं लेके जाऊंगा घूमने के लिए। हमने अभी जैकेट चेंज कर लिया, मैंने बोला कल के वीडियो में मैंने ये पहना था, तूने ये पहना था, तो आज थोड़ा अलग लगना चाहिए ना। रेड कैसा लग रहा है वो बता। इस पे भी मेरा फिट हो रहा है एकदम। वाह ये देखो अपना एक्टिवा लेके आ गया। ओ ओ ओ ओ वो आगे तो मुझसे जा रहे खेलने के लिए। अच्छा ये खेलने जा रहे हैं? अच्छा आगे दो मुस्टंडे जा रहे स्टंप लेके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो अभी हम चले चंडीगढ़ की गलियों में। यार मैं ना बाइक कितना भी भगा लेता हूँ, मेरे को एक्टिवा नहीं जमता, पता नहीं क्यों। एक्टिवा ऐसा लगता है अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, बट सही है, मजा आ रहा है। देखो गाइस मुंबई से बाहर निकलने का ये फन होता है कि तुम लाइफ में एक्साइटेड रहते हो, तुमको नई नई चीजें दिखाई देती है एंड नई नई गलियों का तो एक्सपीरियंस होता है ना ताऊ। यार भाई कैसा है हैंडल लॉक का? एक्टिवा का हैंडल लॉक का भी तकलीफ है भाई, कैसे कर रहे हैं? हो गया अच्छा हुआ। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर ये पार्क है, कहाँ से जाने का? चलो टाप के चलते हैं। ये तो नीचे से हुआ ना, टाप क्यों होता ऊपर? अरे यहाँ तो वो है कांटे। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, आराम से आना भाई, मेरा मेरा जैकेट नहीं फटना चाहिए। हाथ एकदम जम गया है भाई एक्टिवा पे रहके। अच्छा यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल वाले दोनों है, थोड़ा वार्म अप वगैरह कर ले, बॉडी गर्म कर ले थोड़ा। धुआं नहीं निकल रहा है, हुआ तो निकलेगा ही ना ब्रो। देखो भाई इसके दोस्त लोग के साथ स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी है, क्या बोलता तू नहीं करेगा? इधर देखो इधर थोड़ा साफ है, तो थोड़ा ड्यू था। चलो यार देखते हैं, अभी पूरे टाइम कैमरा चल नहीं रखूंगा, मिलते हैं अपन बाद में। चले क्या, चलो 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 चलो। करने जा रहे थे रुक गए कटाने का वो। चला गया था मॉल का।
अरे हमारा फुटबॉल मैच चल रहा था, 10-9 से जीत गए। चल उधर चलना गेट पे, पर ये सारे अपने प्लेयर थे। बाय भाई, ये क्या भाई ब्लॉगर भाई, इधर वो भाई, ये अच्छा खेल रहा भाई। हाँ ये भी एक पीला वाला। चल दो भाई, भाई लो मजा आया। मतलब वो क्रिकेट खेलने से अच्छा मैंने सोचा कि वहाँ पे वेट करो फिर फील्डिंग करो ये करो, इससे अच्छा तो अपना तो फुटबॉल खेलना ज्यादा बेटर था ना। ये भी था भाई। अरे चलो मजा आ गया भाई, अभी मम्मी का फोन आया 2-4 बार। तो गाइस अभी पूरा दिन स्पेंड करने के बाद विदाई का टाइम आ गया है, अभी अपन निकलेंगे यहाँ से एंड जाएंगे सर दिल्ली को। नानी ने मेरे को टीका लगाया था, इतना बड़ा टीका लगा दिया जैसे लड़कियों को लगा। दिल रोया और आए बम्बई बरे दिन पहले आए तू का तुम्हें बोलता तुम बोलो मैं तैयार छु मैं आज लो आ गए हम तो अभी केसरी ढाबा पे। मेरे को कुछ भूख नहीं लगा है अभी एंड मैं अवॉइड कर रहा हूँ दिन में खाना बिकॉज सर ऑलरेडी सुबह 2 आलू के पराठे खा लिए थे तो ज़्यादा हो गया था बटर के साथ। अभी बटर नहीं सॉरी घी, देसी घी के साथ खा लिया था। अभी अपन केनुआ खाएंगे एंड अभी हम पानीपत के आसपास में कहीं तो है। कभी भी जाने का इतना ट्रिप बहुत एक्साइटिंग रहता है लेकिन वापस आओ ना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है, सब मरे पड़े गाड़ी में, क्या बोलने। तन्नीर में इधर फोटो सेक्शन कर रहे हैं। दिल्ली का 100 पुशअप का बचा हुआ है, मैं बोला पुशअप मार के खत्म कर सकते कम से कम भाई। थर्टी से आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में यार, 30 पे अटक गया। ये देखो भाई इधर खाया जा रहा है दाल सब्जी नान एंड अपने लिए है ये। कभी कभी ऐसा अपना टारगेट पूरा करने के लिए ना ऐसा पेट मारना पड़ता है भाई, लाइफ में सैक्रिफाइस तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। अब मैं ये दिन का खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ बिकॉज मेरे को रात को थोड़ा खाने के लिए जगह चाहिए और मैं दोनों बार इतना दबा दबा के खाना चालू करूँगा ना फिर मेरे को घूमने जाना है, मैं वहाँ पर करूँगा आलस। भरपाई तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने बोला कि अभी अपन चलते थोड़ा चिकन विकन खाते, बहुत दिन से वेज खा खा के पक गया हूँ तो अभी अपन वहाँ पे जाएंगे होपफुली। अभी जो तो टाइम देखो इतना अंधेरा हो गया और अभी टाइम 6 बजा हुआ है तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ का मैं चिकन कभी मिस नहीं करता हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस में देखा होंगे यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है कि चंदूस चिकन, वहाँ पर चिकन ग्रेवी एंड रोटी देता है वो, तो हम वहीं चल रहे हैं। जिंदगी का सफर अजनबी अजनबी हम चले हैं शहर अजनबी, ना तुम्हें है खबर ना मुझे, चल रहे हम मगर अजनबी। ए बारिश हो रहा है बाहर। देखो भाई अपना ये स्टॉल है चंदू चिकन कॉर्नर, इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है तो वो वहाँ पे जाके देखो, मैं बार बार अभी वीडियो बनाऊंगा नहीं। मस्त वाला ग्रेवी बनाते लजीज। अब तक मैंने बोला है कि अब थोड़ा चेंज हो गया सेटअप, ये पहले कहीं और था वो सेटअप भी है इनका, यहाँ पर नया है। एक ग्रेवी वाला मंगाया हमने, एक कबाब मंगाया है, तब तक जब तक टाइम बहुत तब तक ग्रेवी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा फिर हम खाएंगे है ना। सर यार ऐसा ना चिकन चंगेजी वगैरह सब फेल है इसके सामने, ये तवा चिकन अगर आप खा के देखोगे तो। चंदू भाई बोलते कि वो पहले, ये चंदू भाई वो पहले मुंबई में थे बोलते। अन्ना पहले बोल रही है कि मैं नहीं आने वाली थी, फिर इसको मैंने बोला देखो फिर वीडियो में देख के ललचाना मत, तो आ गई उठ के। कल हम चंडीगढ़ में थे तो इसको हमने नहीं बुलाया था साथ में। अभी प्रॉब्लम ऐसा था ना कि इसके साथ एक और लड़का भी था तो मैंने बोला उसको भी लेके जाओ, एक्टिवा में 3 लोग से ज़्यादा 5 लोग कहाँ जाते ना। 2 एक्टिवा भी थी पर हमारा मन नहीं था इसको लेके जाने का। और हमारा कबाब आ गया। देखो भाई अपना कबाब और कांदा रेडी है, इसके साथ मैंने बोला एक रुमाली रोटी भी दे दो तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। गरम गरम करके दो, गरम किया भाई किया, अरे वाह धन्यवाद, मैंने देखा नहीं ना सॉरी। पहले ऐसे कबाब खा के देखते कैसा हो रहा है।
अब आप जल्दी ठंडा हो गए हम तो अपना ग्रेवी उधर बन रहा है देखो। मेरे को लगता है साइकोलॉजी भी है, अगर तुमको कोई इंसान अच्छा लग जाता है ना तो वहाँ की चीज़ें तुमको अच्छी लगती है और अच्छी नहीं भी होती तो तुम एडजस्ट कर लेते हो ऊपर नीचे। दिस इज़ नाइस। पता नहीं मैं कबाब इतना खाता नहीं हूँ, सीख पराठा खाया है मैंने, बट इज़ ऑल्सो गुड। ये अपना कुछ स्टाइल है, मैं कबाब को रुमाली रोटी के साथ खा रहा हूँ। ना चलो भाई अपना ग्रेवी आएगा फिर मिलते हैं अपन। देखा मैं इसीलिए दिन में नहीं खाया क्योंकि मेरे को नॉनवेज खाऊंगा मैं, चलेगा। चलो थैंक यू चंदू भाई। इसके लिए अलग से क्यों, इसको क्यों दे रहे हो अलग से, इसको नहीं देना चाहिए। ये देखो भाई, ये अपना है तवा चिकन और ये है अपना रुमाली रोटी। भाई इसका टेस्ट इतना लजीज है ना, मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। ये देखो भाई ऊपर से क्रीम है, बटर होता है, वाह। और गर्म तो होगा ही ना तन्ना यार। ये लोग के साथ ना बंटवारा करके खाना ही सही है। ये लोग इतना उल्लू बनाते हैं ना मेरे को कि मैं वीडियो बनाते रह जाता हूँ, भाई ये लोग सब खत्म कर देते हैं। थोड़ा ऑयली है, थोड़ा मैनेज करो, इतना कभी कभी चलता है। 250 रुपीज़ का 6 पीस है ना तन्ना, और तन्नी का फेवरेट है ये। क्या बोलते परी, देखो लेग पीस अपने पास आया। तन्नी को पसंद नहीं है ना लेग पीस। तन्नी को पसंद है, मुझे पसंद है। तन्नी को पसंद है, तन्नी को देख कौन रहा है। भाई मैं आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ खाने पीने के सब कुछ, बिकॉज आपको पता ना वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं कट टू कट बता रहा हूँ आपको। भाई अभी अपन खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको मिलेंगे हम दब बाद में, ठीक है। देखो नौटंकी, देखो यार हम घर पे गए, फिर नीचे उतरे, फिर आके हमने एक डाइट कोक पिया, एक मोमोस खाया। और फिर तन्नी अभी पेस्ट्री खा रही है और अपना था बॉर्नविल। आप खाओगे? नो थैंक यू, बहुत जल्दी पूछ लिया आपने, इधर बैठो। ना 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 इधर बैठो यार, मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ पर मैं बोला डार्क चॉकलेट तो खा ही सकता हूँ। तन्ना मेरे को थोड़ा ब्रेड खिलाओगे जरा, ब्रेड 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 सिर्फ ब्रेड, थोड़ा नीचे तक खिलाओ। हाँ ठीक है, ज्यादा क्रीम है। ये इसकी मम्मी को दिखाना है कि मेरे साथ तेज मीठा खा रही है। तन्ना तन्ना बोली थी उसका फर्स्ट लव है मीठा, है ना। और परी मामा को भूल गए, देखा पहला स्टारबक्स मैं इसको पिलाने वाला हूँ और बोल रहे पिलाओगे तब आप, तब मैं फर्स्ट लव होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। वाह। एंड मेरा अगर आपको पता नहीं है तो बॉर्नविल क्रैनबेरी इज द फेवरेट, कभी मिलने आओगे तो ये लेके आना, मैं खा लूंगा। चलो नहीं थैंक यू। अच्छा लग रहा है यार देखने में तो, फ्रूट केक होता तो मैं खा भी लेता एक बार। आई जस्ट लव फ्रूट केक, इसीलिए तो नहीं लिया। भाई भाई बोलो कैसा है, मजा आ रहा है? थैंक यू बोलो। मैं तो स्टूडियो आ रहा हूँ।